हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका पिक्सल गुरु में। बहुत दिनों के बाद आज वीडियो बना रहा हूँ। बहुत सारा काम था थोड़ा दूसरा प्रोजेक्ट में, तो थोड़ा सा डिले हो गया है। तो ठीक है, कोई बात नहीं, अब से कंटिन्यू करने की कोशिश करूँगा। तो गाइस, मैं आप लोगों को इस वीडियो में दिखाऊंगा कि मैंने किस तरह से इस पिक्चर को अचीव किया है। तो सबसे पहले आप लोगों को मैं अपना थोड़ा सा सेटअप दिखा देता हूँ, क्या क्या मैंने सेटअप किया है, किस तरह से आज शूट होगा, वो सारा डिटेल्स मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। गाइज, मैंने यहाँ पे ऑडियो के लिए एक माइक सेट किया है, यहाँ पे ये बूम माइक है। गाइज, मैंने यहाँ पे एक लाइट रखा है गोडॉक्स SL60W, ये मेरे फेस के लिए है, फेस के ऊपर लाइट आएगा डायरेक्टली यहाँ से। और इसके साथ मैंने एक ऑक्टागन सॉफ्ट बॉक्स यूज किया है और एक डिफ्यूजर है यहाँ पे। गाइज, ये थिएटर प्लेट है, इसके ऊपर आप कुछ भी रख के फोटोशूट कर सकते हो, ये बहुत ही मजबूत होता है। और इसका जो स्टैंड है पूरा मेटल का है, और ये जो प्लेट है ये वुडन का है, इसको मैंने कलर किया है। इसको ये सब शीट है, एक्रेलिक शीट है। आज मैं इस शीट को यूज करूंगा ब्लैक कलर का। मेरा आइस क्यूब कहाँ गया किधर है? ये रहा। सारे आइस क्यूब है, फेक आइस क्यूब है, एक्रेलिक आइस क्यूब। बॉटल पे मैंने पहले अलग से थोड़ा सा एक्स्ट्रा रख दिया था, ये लिक्विड फूड कलर ऐड किया हुआ है इसमें टोटल। तो मैं थोड़ा थोड़ा करके डाल देता हूँ। दिस इज माई अनदर गोडॉक्स SL60W। यहाँ पे मैं एक कलर जेल यूज करूंगा येलो कलर का, ओके, ताकि मुझे बैकग्राउंड में एक येलो कलर का फील आए। ओके, ये लाइट। अब मैं कैमरा सेट करूंगा यहाँ पे ट्राइपॉड के साथ। ओके, गाइस, ये थिएटर केबल है, इसको यहाँ पे कैमरे के साथ ऐड कर दूंगा, ताकि हम जो भी यहाँ पे फोटो क्लिक करेंगे सब हमारे डिस्प्ले में दिखाई मिलेगा, कंप्यूटर के डिस्प्ले में। यहाँ से फ्लैशलाइट सीधा इस ग्लास के ऊपर पड़ेगा। ओके, और इसके दूसरे तरफ और एक लाइट यूज करूंगा मैं यहाँ पे एक और फ्लैश यूज करूंगा। ओके, ये फ्लैश यहाँ पे मैं सेट करता हूँ इसको थोड़ा सा। और मैंने इसके साथ हनीकॉम अटैच किया है, ये हनीकॉम ग्रिड है, ये बहुत ही काम की चीज है। क्या करता है, लाइट को नैरो करता है। ओके, तो इसको मैं यहाँ पे सेट कर देता हूँ। ओके, ये मेरा रेडी हो गया। ओके, डन। तो गाइस, यहाँ पे देख सकते हो ये हमारा फाइनल सेटअप रेडी है। गाइस, यहाँ पे डिस्प्ले पे आप कैमरा सेटिंग देख सकते हो, मैंने शटर स्पीड रखा है 1/10, अपर्चर रखा है f/10 पे, और ISO रखा है मैंने 320 पे। लेकिन हम लोग जब फाइनल शॉट लेंगे तब तक थोड़ा बहुत सेटिंग्स का चेंज हो सकता है,
मैं यहाँ पे फ्लैश यूज कर रहा हूँ गोडॉक्स TT685 और यहाँ पे फ्लैश का सेटिंग्स आप देख सकते हो 1/16 पे मैंने रखा है। और मैं यहाँ पे और एक फ्लैश यूज कर रहा हूँ ये वाला, आप यहाँ पे देख सकते हो ये भी मैंने 1/16 पे रखा है। तो मैंने ये पीछे एक फ्लैश लगाया है और उधर और एक फ्लैश मैंने यूज किया है। ओके, ये नॉर्मल वाटर है, इसके साथ मैंने थोड़ा सा ग्लिसरीन ऐड किया है। अब इसको ग्लास के ऊपर स्प्रे करेंगे धीरे धीरे। ओके, टेक ए शॉट, शॉट लेके देखते हैं कैसा आता है। अच्छा है, लेकिन ये जगह पे आप देख सकते हो थोड़ा सा ग्लिटर आ गया है लाइट का, तो इसको डिफ्यूज़ करते हैं। और मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा एक ट्रेसिंग पेपर, इस लाइट को डिफ्यूज़ करूँगा थोड़ा सा, देखते फिर शॉट कैसा आता है। ओके ओके गाइज, यहाँ पे आप पहले वाले शॉट और ये वाले शॉट में आप देख सकते हो कितना डिफरेंस आया है। अब इसका पीछे जो लाइट है उसको थोड़ा सा चेंज करते हैं, ये वाले फ्लैश को थोड़ा सा इसका पीछे देता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा साइड पे, ओके थोड़ा सा डाउन, ओके ओके ओके। और एक शॉट लेके देखते हैं कैसा आता है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा लाइट बढ़ा देता हूँ बैक में जो लाइट है, फिर देखता हूँ कैसा शॉट आता है ये। ओके, थोड़ा सा चेंज करता हूँ। ओके गाइज, और एक शॉट लेते हैं यहाँ पे। गाइज, ये फाइनल शॉट को हम लोग अब पोस्ट प्रोडक्शन में प्रोसेस करेंगे, फोटोशॉप में एडिट करेंगे थोड़ा बहुत, देखेंगे कैसा आउटपुट आता है। गाइज, यहाँ पे फाइनल पिक्चर पे आप लोग देख सकते हो हम लोगों ने स्मोक ऐड किया है, एक्चुअली ये सिगरेट का धुआं है। ये हम लोग वीडियो में नहीं दिखा सकते, इसलिए ये वाला सीन हम लोग डिलीट करके फाइनल शॉट आप लोगों को दिखा रहा हूँ। ओके गाइज, आज का वीडियो इतना ही था, तो वीडियो आप लोगों को कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, लाइक कीजिए, मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।